Hello friends, welcome you all. We were discussing the topic जो बच गए थे हमारे medieval India की जो IAS की सीरीज है और अब तक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कर लिया है. चैप्टर 6 जो आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट होगा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग भी होता है, बट इसे अच्छे से डील किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और आपको इसमें कंसेप्ट क्लियरिटी भी देखने को मिलेगी. तो लेट्स स्टार्ट विद बैकग्राउंड. सबसे इंपॉर्टेंट बात आप हमें ये बताइए कि आपने 6th सेंचुरी BC का नाम सुना होगा. अगर हम आपसे पूछे कि 6th सेंचुरी BC का क्या सिग्निफिकेंस है तो आपके मन में एक ख्याल तो जरूर आ रहे होंगे कि 6th सेंचुरी BC वॉज द टाइम जब गौतम बुद्धा महावीरा की जो फिलोसफी है बुद्धिज्म जैनिज्म वाली वो प्रबल हो रही थी. और 6th सेंचुरी BC में आपको भी पता है कि इन दोनों का जन्म भी हुआ था. अलोंग विद दैट अदर रिलीजियस सेक्ट्स भी डेवलप हो रहे थे, जैसे आजीवा सेक्ट, आजीविका सेक्ट आपने सुना होगा, है ना. तो ये सब क्यों हो रहे थे? ये सब इसलिए हो रहे थे क्योंकि इससे पहले जो आपके रिलीजियस बिलीफ था वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटिंग था. रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस ये सब परफॉर्म किए जाते थे जो कॉमनर्स के समझ से परे थे और काफी ज्यादा प्रिविलेज क्लास को ये सब जो आपके रिचुअल सेक्रीफाइसेस किए करवाए जाते थे क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली भी हुआ करता था. अलोंग विद जो लिटरेचर सब मौजूद थे वो सब संस्कृत भाषा में मौजूद थे जो कहीं ना कहीं कॉमनर्स ना ही इसे एसेस कर पाते थे और ना ही समझ पाते थे. तो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किन के पास थी? ब्रह्मनिज्म के पास, है ना. उनके पास ज्ञान होता था और अल्टीमेटली वही रिचुअल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाते थे. और साथ ही साथ सोशल डिसहार्मोनी भी, क्योंकि इसके कारण वोमेन इनइक्वलिटी देखने को मिल रही थी, है ना. कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था. आपने वैश्यास कम्युनिटी का नाम सुना होगा कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक था बट सोशल कंडीशन वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द कास्ट रिजिडिटी. तो ये बैकग्राउंड पीछे बन रहा था जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका बुद्धिज्म जैनिज्म फ्लरिश किया. उसी प्रकार से सेम कंडीशंस 13th-14th सेंचुरी के दौरान बन रहे थे जिसके तहत जो आपके रिचुअल सब की जो परंपरा है फिर से वापस लौट रही थी. देयर बाय कॉमनर्स को फिर से उस प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रही थी और तब आपके भक्ति मूवमेंट का इनिशिएशन होता है भारत में. और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसका ओरिजिन कहां से होता है और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके पर्संस थे जिन्होंने लीड किया भक्ति मूवमेंट को और उनकी फिलोसफी क्या क्या थी. बेसिकली भक्ति मूवमेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, यानी कि रिलीजन के अंदर रिफॉर्म लाने वाला मूवमेंट कह सकते हो जो मेडिवल टाइम्स में आई थी, जिसका फोकस सिंगल माइंडेड इंटेंस डिवोशन टू गॉड पर हुआ करता था, यानी कि कंप्लीट डिवोशन कर दो भगवान के प्रति. और यहाँ पर जो गॉड का कंसेप्ट आएगा आप देखोगे आगे कि एक तो निर्गुणा कंसेप्ट आएगा, यानी कि जो गॉड होंगे वो शेपलेस होंगे, फॉर्मलेस होंगे एंड यूनिवर्सल प्रेजेंस होगा उनका. और दूसरा होगा आपका सगुना, यानी कि गॉड हैज शेप लाइक ह्यूमन एनिमल शेप, ऐसे फिलोसफी आएंगे, है ना. और उनका एक डेडिकेटेड फॉर्म होगा, है ना. ये आपके दो फॉर्म ऑफ गॉड देखने को मिलेंगे और इनके जो आपके फॉलोवर्स आएंगे जिन्होंने अपने अपने फिलोसफी दी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना. और याद रखना है कि जो भक्ति मूवमेंट है इट वाज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन की जो रिलेशनशिप है बिटवीन गॉड एंड मैन इज वायर लव एंड वर्शिप, यानी कि आप और जो परमात्मा है उनके बीच जो रिलेशन है वो बेसिकली प्यार और वर्शिप का रिलेशन है, रेदर कि कोई रिचुअल या फिर रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करके आप भगवान को खुश करोगे, है ना. भगवान को खुश करना है तो इंटेंस लव एंड डिवोशन एंड वर्शिप चाहिए उनके लिए, रेदर कि आप रिचुअल परफॉर्म करो, रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करो. और जो ओरिजिन है भक्ति की वो वेदास से ट्रेस किए जाते हैं, लेकिन इसका रियल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो 7th सेंचुरी के बाद होता है. और याद रखना वैसे जो आपका भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन है वो साउथ इंडिया से शुरू होता है एंड इट वॉज इनिशिएटेड बाय शिवा नयनार्स, यानी कि जो नयनार्स थे वो शिवाइट फॉलोवर थे, शिव भगवान के भक्त, एंड अलवास दैट वॉज वैष्णवाइट, यानी कि विष्णु भगवान के भक्त. और साउथ इंडिया से स्प्रिड होता है
है ये, बिकॉज ओरिजिन वहीं से ट्रेस करी जाती है। उसके बाद ये सारे रीजन में स्प्रेड होने लगते हैं इंक्लूडिंग द नॉर्थ इंडिया। और जो इमोशनल साइड है वैष्णविज्म का, वो रिप्रेजेंट कर जाते हैं अलवार्स के द्वारा वाया देयर कलेक्टिव सॉन्ग्स, और उनके कलेक्टिव सॉन्ग्स का क्या नाम है, प्रबंधास। एंड जो इंटेलेक्चुअल साइड है जिसमें आपका नॉलेज की बात करी जाती है ना, तो इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म रिप्रेजेंटेड बाय आचार्यज। और आपने आचार्यज टर्म तो सुना ही होगा, इट इज रिलेटेड टू द गुरु, है ना। और वो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल साइड नॉलेज प्रदान करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। दैट्स व्हाई इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म रिप्रेजेंटेड बाय आचार्य, एंड इमोशनल साइड ऑफ वैष्णविज्म वाज रिप्रेजेंटेड बाय अलवार वाया कलेक्टिव सॉन्ग कॉल्ड प्रबंधास। अब एक कंफ्यूजन ये भी रहती है कि नैनार्स और अलवार्स में कंफ्यूजन हो जाता है। नैनार्स जब आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज करोगे तो पता चलेगा कि ये जो नैनार्स है वो विष्णु या वैष्णवाइट फॉलोवर्स आ जाते हैं। अलवार्स जब आप देखोगे तो वो शिवाइट फॉलोवर हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन रहता है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक निकाला था कि अलवार्स में आप देख लो वी आ रहा है ना, तो वी का मतलब आप समझ जाना कि ये वैष्णवाइट फॉलोवर्स होंगे, और जो दूसरा बच गया वो आपके शिवाइट फॉलोवर होंगे, याद रखना। तो नैनार्स हो गए आपके शिवाइट फॉलोवर और अलवार्स हो गए आपके विष्णु के डिवोटीज, है ना, ये याद रखना है आपको। ये आपको हो सकता है कंफ्यूजन दूर कर दे। तो नैनार्स की बात करें तो ये शिवा के डिवोटीज हुआ करते थे, और ये जो आपका तिरुमरई, ये बेसिकली जो नैनार्स ने हिम्स, यानी कि हिम्स मतलब पंक्तियां होती है ना, इन प्रेज ऑफ गॉड। तो तिरुमरई विच इज कंपाइलेशन ऑफ हिम्स बाय द नैनार्स बाय द हाइएस्ट प्रीस्ट ऑफ राजा राज चोला वन एंड नामे भयानदार नामबी, इनके द्वारा तिरुमरई कंपाइल किया गया था, है ना, ये याद रखना आपको। तिरुमरई कंपाइल्ड बाय द राजा राज चोला वन के जो हाइएस्ट प्रीस्ट हुआ करते थे, या फिर नामी भयानदार नामबी, इनके द्वारा कंपाइल किया गया था। एंड इसमें बेसिकली डिटेल्स ऑफ द लाइफ एंड सेंस वो डिस्क्राइब किए जाते हैं इन द वर्क ऑफ तेबराम, जिसको द्रविड़ वेदा भी कहते हैं। ये दो बातें याद रखना है, तेबराम आल्सो नोन एज द्रविड़ वेदा, एंड इट फोकसेस एंड इट कीप्स डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द सेंस। ये बातें आपको याद रखना है, सेंस मतलब कौन सा सेंस, नैनार्स, है ना, एंड तिरुमरई के बारे में भी आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट सेंस जो नैनार्स में आपको देखने को मिलते हैं, ये नाम भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम ऑफ देम इज तिरु नीलकंठ, मई पोरुल, विराल मिंडा एंड अमार रनिडी एंड कार्यकाल अम्मयानार, जो कि वोमेन थी, है ना। और अगर हम बात करें अलवार्स में, तो अलवार्स जो कि विष्णु डिवोटीज है, और इनका जो कंपाइलेशन रहा है हिम्स का या फिर अलवार सेंस का, वो है आपका दिव्य प्रबंधनम, याद रखना। दिव्य प्रबंधनम इज एसोसिएटेड विद अलवार्स, है ना, दैट इज द वैष्णवाइट फॉलोवर। और जबकि ये जो आपका तिरुमरई है, ये आपके कंपाइलेशन है नैनार्स का, है ना, दैट इज योर शिवाइट डिवोटी। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंस जो आपके अलवार्स में देखने को मिल जाते हैं, वन इज योर अंडल, एंड ये अच्छे से याद रखना है, अंडल इज योर अलवार फीमेल अलवार सेंट, जिनको मीरा ऑफ द साउथ कहता है ना। तो यानी कि अलवार सेंट में आपका ओनली फीमेल अलवार सेंट ये थी अंडल, एंड अदर्स वेयर थिरुमजसाई अलवार, थिरुओपन अलवार एंड नाम अलवार एंड कुलशेखरा। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखने, ये सब टेक्स्ट बुक से लिए गए, दैट्स वाई यूपीएससी क्वेश्चन में पूछे जा सकते। सो होप आपको ये पसंद आ रही होगी, और अगर कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हो। अलवार्स में आपके विष्णु भी आ जाता है, और जो बच्चे हैं वो आपके नैना आ जाते हैं। और ये जो भक्ति सेंस है, इनको डिवाइड किया गया है दो स्कूल में डिपेंडिंग ऑन द वे दे इमेजिन गॉड। वही मैंने बोला कि जो गॉड को ये सेंस इमेजिन करते थे, है ना, इसके दो वेज में इमेजिन करते थे। एक तो ये कि निर्गुण फिलोसफी और एक सगुण फिलोसफी। निर्गुण फिलोसफी नाम से पता चल रहा है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, है ना। इसके तहत द गॉड इज फॉर्मलेस एंड गॉड इज इनविजिबल, एंड इसका मतलब गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर प्रेजेंट है, हर चीज में प्रेजेंट है, ये आपके निर्गुण हो गए, है ना। देयर इज नो शेप लाइक ह्यूमन गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। तो ये इनविजिबल फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं विदाउट एट्रीब्यूट। एंड निर्गुण भक्ति पोएट्री वॉज ज्ञान शायरी, ज्ञान शायरी यानी कि इनका जो रूट है वो नॉलेज में, यानी कि ज्ञान हासिल करना आपका निर्गुण भक्ति पोएट्री में आपको रिफ्लेक्ट होगी। और निर्गुण सेंस में आप देख सकते हो गुरु नानक, ये भी ह्यूमन गॉड ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करते थे, ना ही रविदास ना ही कबीरदास, है ना। दैट्स वाई इन सबों को निर्गुण संत कहा जाता है।
और सगुण संत की बात करें तो दे बिलीव इन गॉड विथ ए डेफिनेट फॉर्म शेप्स एट्रीब्यूट है ना। एंड सगुण व्यक्ति पोएट्री ये प्रेम शायरी थी यानी कि डिवोशन है ना, डिवोशन टू द गॉड हैविंग द रूट्स इन लव है ना। तो डिवोशन जैसे आपका भजन कीर्तन हो गया ये सब में आपका प्रेमा शायरी होता था। एंड सगुन सेंस में आप देख लो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मीराबाई आपको ही पता है कृष्णा भक्ति कितना इंटेंस डिवोशन था मीराबाई का कृष्णा भक्ति में, आपने देखा होगा है ना। तो तुलसीदास, और तुलसीदास में आप देख सकते हो जो राम भगवान का इंटेंस डिवोशन देखने को मिला है ना। दैट मीन्स कि आपका एक सगुन गॉड में ये लोग बिलीव करते थे हैविंग द फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स। और फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट में आपको क्या क्या याद रखने हैं, दे बिलीव इन यूनिटी ऑफ गॉड और वन गॉड दो नोन बाय डिफरेंट नेम्स, यानी कि भले ही नाम अलग अलग हो बट गॉड इज वन एंड देर इज यूनिटी। एंड कंडमिनेशन ऑफ रिचुअल सेरेमनीज एंड ब्लाइंड फेथ, तो ये तो एक मुख्य फीचर है। एंड आइडल वर्शिप का ये रिजेक्ट करते थे, सरेंडर ऑफ वन सेल्फ टू गॉड एंड निर्गुण एंड सगुण भक्ति दोनों पर ये इम्फेसिस करते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखे भी है जो सेंस से निर्गुण वाले सगुण वाले, एंड इनका कहना था कि जो आपको सेल्वेशन या मुक्ति मिलेगी वो इंटेंस भक्ति से ही मिलेगी। एंड ओपन माइंडनेस रखा करते थे रिलीजियस मैटर्स के ऊपर है ना, ऐसा नहीं कि नैरो थिंकिंग थी है ना। दैट्स व्हाई ये यूनिटी ऑफ गॉड में विश्वास रखते थे, दिस रिफ्लेक्ट द ओपन माइंडनेस अबाउट द रिलीजियस मैटर। एंड रिजेक्टेड कास्ट डिस्टिंक्शन एंड बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, क्यों, बिकॉज इन सबों का मानना था देयर इज यूनिटी ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई यूनिटी ऑफ गॉड है, तो इसका मतलब सब जो है एक ही परमात्मा के अंश है कहीं ना कहीं। एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो कास्ट डिस्टिंक्शन एंड देयर इज इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन। एंड रिवेल्ड अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन एंड द संस्कृत लैंग्वेज एज वेल, एंड इसके तहत लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस में प्रीचिंग जो दी जाती थी तो लोकल लैंग्वेजेस का भी यूज बढ़ा, ग्रोथ बढ़ा, एज वेल एज क्रिएशन ऑफ लिटरेचर इन लोकल लैंग्वेजेज है ना। तो ये सब जो शायरियाँ या दोहे क्रिएट किए जाते थे वो लोकल लैंग्वेज में क्रिएट किए जाते थे, तो इससे लोकल लैंग्वेजेज का भी स्प्रेड हुआ। एंड अगर हम बात करें कॉजेज फॉर द इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप याद रख सकते हो, इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णविज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, दैट्स व्हाई आपका इमर्जेंस हुआ भक्ति मूवमेंट का। और साथ ही साथ जो इविल प्रैक्टिसेस लाइक सती है ना, वोमेन इनइक्वलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में रिफॉर्म करना जरूरी था। दैट्स व्हाई कुछ इंपॉर्टेंट आपके पर्सन्स आते हैं और वो बेसिकली भक्ति मूवमेंट इनिशिएट करते हैं। साथ ही साथ फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्ट एंड इमर्जेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स एज वेल। अब बात करते हैं वेदांता फिलोसफी को बिलीव करने वाले सेंट्स एंड उनके कंट्रीब्यूशन। तो वेदांता सेंट्स में आपके एक आ जाते हैं स्वामी शंकराचार्य, और इनका पीरियड देख लो 788 से 820 AD, और इनका बर्थ केरला में होता है, डेथ उत्तराखंड केदारनाथ रीजन में। और इनके जो गुरु रहे हैं वो है आपके गोविंद भागवत पड़ा, एंड इन्होंने बुद्धिज्म के जो इसेंस है उसको हिंदू थॉट में डाला और जो एंशियंट वैदिक रिलीजन है उसको इंटरप्रेट भी किया। एंड ऑल्सो अद्वैत वेदांता की फिलोसफी इन्होंने दी, अद्वैत वेदांता यानी कि देयर इज नो ड्यूलिज्म। नो ड्यूलिज्म का मतलब ये हुआ कि गॉड और जो आप क्रिएटेड वर्ल्ड देख रहे हो वो एक ही है ना, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, यानी कि गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर, एंड इंडिविजुअल सोल जो हमारे में आप में है इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मनिज्म, इट इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ नॉन ड्यूलिज्म। देयर इज नो ड्यूलिटी, देयर इज सिंगुलरिटी, एंड सिंगुलरिटी इन द सेंस कि गॉड एंड द वर्ल्ड इज वन, ईच एंड एवरी थिंग इन द अर्थ इन द यूनिवर्स इज हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड। एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द दशानमी मोनेस्टिक ऑर्डर एंड यूनिफाइड द शान मता ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप। एंड आप देख सकते हो बृहत शंकरा विजय, बेसिकली ये लिखा गया सिट सुखा के द्वारा, और ये ओल्डेस्ट बायोग्राफी है आदि शंकराचार्य के बारे में, याद रखना बृहत शंकरा विजय बाय सिट सुखा, ओल्डेस्ट बायोग्राफी ऑफ आदि शंकराचार्य। एंड नाउ द नेक्स्ट विच बिलीव इज वेदांता फिलोसफी वो है आपके रामानुजाचार्य, लेकिन इनके कुछ फिलोसफी में चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बेसिक की बात करें तो पीरियड देख लो 1017 से 1131 AD, एंड बर्थ इनका तमिलनाडु में, गुरु इनका यादव प्रेक्षा, एंड बेसिकली इन्होंने विशिष्ट अद्वैत वेदांता फिलोसफी दी है ना, विशिष्ट अद्वैत यानी कि क्वालिफाइड मोनोइज्म, यानी कि इनका कहना था
कि देयर एग्जिस्ट प्लुरिटी, सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आत्मन है और जो आपके परमात्मन है दैट इज योर अल्टीमेट रियलिटी, दोनों में डिस्टिंक्शन है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो सोल है वो आपका कंप्लीटली टू कॉपी है ब्रह्मन का, है ना। देयर इज प्लुरिटी एंड देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, ये कहा गया था आपका विशिष्ट अद्वैत में, है ना। एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन विद इन हिंदुइज्म, इन्होंने श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन का फिलोसफी दिया विद इन हिंदुइज्म। एंड लिटरेरी वर्क्स जो इनके द्वारा की गई वो आप देख सकते हो, वेदरथा संग्रहम, श्री भाष्यम एंड गीता भाष्यम। एंड नाउ द नेक्स्ट इज निम्बारका। निम्बारका कंटेम्प्रोरी थे रामानुजा के और इन्होंने फिलोसफी जो दी वो है आपका भेद भेद भेदा भेदा के तहत क्या फिलोसफी है कि जो गॉड है, सोल है और वर्ल्ड है, आत्म आइडेंटिकल है बट डिस्टिंक्ट है। ये तो वही बात हो गई कि कोई बात है जो न सत्य है न झूठ है, यानी कि कहने का मतलब इवन गॉड सोल एंड वर्ल्ड इज आइडेंटिकल बट डिस्टिंक्ट। एंड जो आपका नेक्स्ट इज योर माधवाचार्य, और माधवाचार्य बेसिकली आदि शंकराचार्य की जो फिलोसफी दी गई थी अद्वैत वेदांत वाली, साथ ही साथ जो रामानुजा की फिलोसफी थी विशिष्ट अद्वैत वाली, उनके ये क्रिटिसाइज किया था। तो इन्होंने द्वैत या फिर ड्यूलिज्म फिलोसफी को प्रीच किया। ड्यूलिज्म या द्वैत फिलोसफी के तहत जो डिविनिटी है वो सेपरेट है फ्रॉम द ह्यूमन कंसियंस या सोल, यानी कि कंप्लीट डिस्टिंक्शन है, गॉड इज गॉड एंड ह्यूमन इज ह्यूमन, देयर इज नो परमात्मा इनसाइड अस, बट इफ वी डू डिवोशन देन जो परमात्मा है वो हमें हासिल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो आपका ह्यूमन है और जो आपका ये गॉड है दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ये ड्यूलिज्म फिलोसफी की बात कर रहे हैं। एंड लिबरेशन प्राप्त होगा ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड, सो इंटेंस डिवोशन करना जरूरी है अगर इस फिलोसफी के तहत जाए तो। एंड बुक जो लिखा गया है वो है आपका अनुव्याख्याना। एंड द नेक्स्ट वन इज योर नाथपंथीज सिद्धाज एंड योगीज। तो नाथपंथी सिद्धांत एंड योगी जी ये रिचुअल को वैसे भी क्रिटिसाइज करते थे एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर, और ये कहते थे कि भाई साहब इतने कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स में क्यों जाते हैं जब सिंपल और लॉजिकल तरीके से भगवान को हासिल किया जा सकता है। एंड बेसिकली ये जो थे आपके नाथपंथी सिद्धांत योगी जी, ये रिनन्सिएशन ऑफ वर्ल्ड में विश्वास रखते थे, यानी कि वर्ल्ड का त्याग कर दो, यानी कि जो भी आप मटेरियलिस्टिक थिंग जो आपके डिजायर को बढ़ाता है उसका आप रिनन्शिएट कर दो। और इनका क्या कहना था ये कैसे संभव है, तो इनका कहना था द पाथ टू सल्वेशन लेज इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस गॉड, यानी कि फॉर्मलेस गॉड का आप ध्यान करोगे तो आपको सल्वेशन मिल जाएगी। और इसके लिए उन्होंने इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी की बात कही थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा आसना ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। एंड ये जो ग्रुप्स थे नाथपंथी सिद्धार्थ योगी ये काफी ज्यादा फेमस हुए अमंग द लोअर कास्ट, क्योंकि इसमें कोई कोस्ट या फिर कोई एक्सक्लूजन नहीं था कि लोअर कास्ट नहीं इंटर कर सकते थे, और काफी ज्यादा आसान भी लग रहे थे। नाउ वी हैव द वीर शैविज्म या फिर शरणा मूवमेंट। ये जो आपका वीर शैवा मूवमेंट है ये कर्नाटका में शुरू होता है इन द मिड 12th सेंचुरी, और इसे इनिशिएट किया गया वासवना के द्वारा एज वेल एज अदर वीर शैवाद जैसे अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। एंड इन्होंने इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए फाइट किया अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडिया जो कास्ट एंड पुअर ट्रीटमेंट ऑफ वोमेन, इन सब के खिलाफ इन्होंने फाइट की। दे ऑल्सो वेंट अगेंस्ट रिलीजियस रिचुअल्स एज वेल एज आइडल वर्शिप, एंड इन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एज वेल। एंड इन्होंने पोस्ट पॉवर्टी मैरिज, यानी कि मैरिज लॉन्गर समय में हो, पोस्ट प्यूबर्टी के बाद हो, ये इनकरेज करवाया, विडो रिमैरिज को इनकरेज करवाया, और वासवना स्प्रेडेड सोशल अवेयरनेस वाया हिज पोएट्री पॉपुलरली नॉन एज वचनाज। एंड उन्होंने अनुभव मंटपा एस्टेब्लिश किया विच इज फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड वेयर एकेडमी ऑफ मिस्टिक सेंस एंड फिलोसफर्स ऑफ लिंगायत फेथ ये सब शामिल होते थे, अटेंड करते थे। तो अब बात करें वेरियस सेंट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, तो एक तो आपके रामानंदा जो कि आपका 14th-15th सेंचुरी में बेसिकली आते हैं, और रामानंदा ये रामानुजा के फॉलोवर रहे हैं और इन्होंने संत परंपरा फाउंड कराया लिटररी द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति सेंट्स इन द नॉर्थ इंडिया, याद रखना है ना। और इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया द वर्शिप ऑफ रामा इन प्लेस ऑफ कृष्णा, है ना। तो पहले कृष्णा वर्शिप ज़्यादा फ्लरिश थी, तो इनको रिप्लेस करवाया विद द वर्शिप ऑफ रामा। और इनके 12 डिसाइपल्स थे जो
अवधूताज कहा जाता था इनके डिसाइपल्स को, है ना, इस डिसाइपल्स वे नॉन एज अवधूताज। और डिसाइपल कौन कौन, कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल कबीर वो एज ए मुस्लिम रिवर, और काफी इंपॉर्टेंट भी होंगे कबीर, कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, रविदास, भगत पिपा, सुखानंद, सेना एंड शुद्धना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स रामानंदा के थे। और लिटरेरी वर्क की बात करें तो देख लो ज्ञान लीला एंड योग, चिंतामणि जो कि हिंदी में लिखी गई थी, वैष्णवा माता, भज भास्करा एंड रामा कना पद्धति संस्कृत में लिखी गई थी, और इनके जो वर्सेस है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कबीरदास, और देख सकते हो आप 1440 से 1510 तक इनका पीरियड रहा है, और ये डिसाइपल थे रामानंदा के। अभी हमने डिस्कस किया वन ऑफ द टू डिसाइपल ऑफ रामानंदा, एंड ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम को रिकनसाइल किया, है ना, और उनके दोहे में आपको ये रिफ्लेक्ट होती होंगी। और ये निर्गुण संत थे और ओपनली क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स आइडियाज ऑफ मेजर रिलीजन जैसे हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, एंड इन्होंने आइडियल वर्शिप को डिनाउंस कर दिया, यानी कि आइडियल वर्शिप को ये पसंद नहीं करते थे। और फास्टिंग्स एज वेल, पिलग्रिमेज एज वेल एज रिलीजियस सुपरस्टिशियस बिलीव्स, बाथिंग इन होली रिवर्स, फॉर्मल वर्शिप लाइक नामा, है ना, इन सब को इन्होंने डिनाउंस किया। एंड हिज पोएम्स आर कॉल्ड बानीज, याद रखना है ना, कबीर के बानी या फिर कबीर के दोहे आपने सुना होगा। एंड हिज वर्क्स आर कंपाइल्ड इन द फेमस बुक बिजक, ये भी याद रखना है, बिजक इज एसोसिएटेड विद कबीर दोहे जो कंपाइल किए गए, कबीर से राम रहीम आर सेम, है ना, जो इंडिकेट कर रहा है यूनिटी ऑफ गॉड, जो कि फीचर है आपका भक्ति मूवमेंट का। एंड वी हैव द नेक्स्ट गुरु नानक देव, और इनका पीरियड आप देख लो 1469 से 1538 एडी के बीच। बर्थ की बात करें तो तालवंडी विलेज एंड डेथ आपका करतारपुर, दोनों आपका पाकिस्तान में फिलहाल मौजूद है। एंड फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड फर्स्ट गुरु ऑफ द 10 सिख गुरु, और इनिशियली वर्कड एज अकाउंटेंट, एंड इन्होंने भी मिडिल पाथ प्रीच किया एंड नीड ऑफ गुरु की बात कही फॉर लिबरेशन, एंड इन्होंने हिम्स कंपोज किए एज वेल एज सैंग अलोंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इनका इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम था, रबाब, एंड इट वाज प्लेड बाय हिज अटेंडेंट मर्दाना, ये आपने हो सकता है गुरु नानक की फिल्म है वो आपने देखी होगी तो आपको कहानी समझ में आएगी। एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस द एशिया इंक्लूडिंग द मक्का एंड बगदाद एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ एक ओंकार, यानी कि देयर इज वन गॉड, एंड इन्होंने भी आइडियल वर्शिप को अपोज किया बिकॉज निर्गुण फिलोसफी पर ये विश्वास रखते थे, दैट्स व्हाई पिलग्रिमेज, कास्ट सिस्टम, इन सब को ये अपोज करते थे, और प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट पर ये बिलीव रखते थे। एंड कॉल्ड गॉड एज वाहे गुरु, दैट इज सेपलेस, टाइमलेस, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट एंड इनविजिबल, निर्गुण भक्ति के फिलोसफर। एंड ही स्टार्टेड गुरु का लंगर, दैट इज द कम्युनिटी किचन, एंड ही प्रमोटेड तौहीद ए वजीदी। एंड नाउ द नेक्स्ट इज पुरंदर दास, 1483 से 1564, एंड बेसिकली वन ऑफ द चीफ फाउंडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दैट इज योर कर्नेटिक म्यूजिक, पुरंदर दास। एंड इनको ऑफन कोट किया जाता है कर्नाटका संगीत पितामा, है ना, ये याद रखना, कर्नाटका संगीत पितामा किनको, पुरंदर दास को। एंड नाउ वी हैव द दादू दयाल, तो दादू दयाल डिसाइपल थे कबीर के, यानी कि कबीर के बेसिकली फॉलोवर, एंड ये सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, एंड हिज फॉलोवर्स वेर कॉल्ड दादूपंथी, जैसे कबीर के फॉलोवर कबीरपंथी, इनके फॉलोवर दादूपंथी। एंड नाउ वी हैव द चैतन्य महाप्रभु, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, 1486 से 1533 एडी के पीरियड में रहे हैं ये, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णविज्म इन बंगाल, बिकॉज ये बंगाल से बिलोंग करते थे। एंड ही वॉज ए सगुन, यानी कि बेसिकली सेप और आइडियल वर्शिप इनमें ये बिलीव करते थे, एंड बेसिकली पॉपुलराइज द कीर्तनाज, है ना, कीर्तनाज दैट इज योर रिलीजियस सॉन्ग्स, जैसे भजन होते हैं उसी प्रकार से कीर्तन होते हैं एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग द गॉड। एंड पॉपुलराइजिंग द चैंटिंग ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा, दिस इंडिकेट्स कि ही वॉज फॉलोवर ऑफ सगुन फिलोसफी, है ना, एंड ही मेड फेमस द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग राधा एंड कृष्णा टुगेदर, है ना, कि राधा और कृष्णा को एक साथ वर्शिप किया जाए। और इन्होंने अचिंतया भेद अवेद फिलोसफी भी दिया था, एंड डिडंट रिजेक्टेड स्क्रिप्चर्स और आइडल वर्शिप, और गॉड को ये हरि बुलाते थे। एंड ही रोट शिक्षकतम, है ना, शिक्षस्तकम, विच इज अ टेक्स्ट इन संस्कृत, जहाँ पर उन्होंने एलिब्रेट किया अपनी फिलोसफी को। एंड ही इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द वर्ल्ड रिनॉन्ड इस्कॉन, दैट इज योर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, जिसे बनाई गई थी 20th सेंचुरी में। नाउ द नेक्स्ट इज शंकरादेव, और इनका पीरियड आप देख लो 1499 से 1569 एडी के बीच। इन्होंने भक्ति कल्ट असम में स्प्रेड करवाए, एज वेल एज रामायण महाभारत को असमीज में ट्रांसलेट भी करवाया। इन्होंने एक शरणा मूवमेंट, विच इज नियो वैष्णवाइट मूवमेंट, उसका स्टार्ट करवाया,
और बेसिकली ही बिलीव इन द वर्शिप ऑफ एक सरना। एक सरना मतलब क्या हुआ, वन गॉड, वो भी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। एंड ही कॉल्ड कृष्णा बाय डिफरेंट नेम्स जैसे हरि, नारायण, रामा, है ना। एंड हिज मोस्ट फेमस वर्क इज कीर्तना घोषा, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई, विच इज अंडरस्टूड बाय द मासेस। एंड ही रोट इन असमीज एंड ब्रजवली, विच इज मिक्सचर ऑफ मैथिली एंड असमीज। एंड नाउ वी आर द नेक्स्ट वल्लभाचार्य, 1479 से 1531 एडी के बीच। एंड ये कृष्णा भक्ति के एक्सपोनेंट थे, और ये याद रखना है, फाउंडेड द फिलोसफी ऑफ शुद्ध अद्वैत, यानी कि प्योर नॉन ड्यूलिज्म। और इनकी जो फिलोसफी है इसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, याद रखना है, द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग या फिर शुद्ध अद्वैत इज गिवन बाय वल्लभाचार्य। एंड ही वर्शिप कृष्णा अंडर द टाइटल ऑफ श्रीनाथ जी। एंड नाउ द नेक्स्ट इज गुरु घासीदास, पीरियड देख लो 1756 से 1836 एडी। एंड ही वॉज ए फेमस सेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़, और इन्होंने एस्टेब्लिश किया सतनामी कम्युनिटी वहां पर। एंड ही स्ट्रॉन्गली बिलीव इन इक्वालिटी एंड क्रिटिसाइज द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। एंड ये मोनोथिस्ट थे, यानी कि वन गॉड में बिलीव करते थे, एंड वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। ये अच्छे से याद रखना है ना, ये अच्छे से याद रखना है आपको, मोनोथिस्ट सिंगल गॉड में बिलीव रखते थे एंड वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, है ना। एंड सूरदास की बात करें तो 1483 से 1563 एडी के बीच ये वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे, उन्होंने सुर सागर एंड सुर सुर बलि भी लिखा है। एंड शोड इंटेंस डिवोशन टू राधा एंड कृष्णा एंड रिगार्डेड एज आउटस्टैंडिंग डिवोशनल पोएट इन ब्रज भाषा। एंड नाउ द नेक्स्ट इज मीराबाई, 1498 से 1546 एडी के बीच। और जैसा कि मैंने आपको बताया, निगुण निर्गुण नहीं सगुण फॉलोवर रही हैं मीराबाई, और ये स्टॉन्च डिवोटी है लॉर्ड कृष्णा की, और इन्होंने नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स कंपोज किए इन द ऑनर ऑफ कृष्णा। एंड सी कंपाइल्ड वर्जन्स दैट इज योर शॉर्ट रिलीजियस सॉन्ग्स विच आर संग इवन टुडे। एंड हरिदास, एंड इनके पीरियड आप देख लो 1478 से 1573 एडी। एंड हरिदास वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियंस एंड जो लॉर्ड विष्णुज के बखान में गाया करते थे। एंड तुलसीदास 1532 से 1623 एडी। एंड इन्होंने रामा को बेसिकली कृष्णा का इनकार्नेशन बेसिकली बोला था। एंड इन्होंने रामचरित मानस भी लिखा एंड ही वॉज ए वर्कारी, ये याद रखना है ना। तो तुलसीदास डिपेक्टेड रामा इज द इनकार्नेशन, यानी कि अवतार, एंड रोट रामचरित मानस एंड ही वॉज वर्कारी। एंड नामदेव, और इनका पीरियड देख लो 1270 से 1350 एडी। एंड ये विशोबा खिचार के डिसाइपल रहे हैं, और विथोबा दैट इज द विष्णु इनके डिवोटी रहे हैं। ये कास्ट सिस्टम इन्होंने पोज किया, और ये याद रखना नामदेव ओनली निर्गुण संत इन महाराष्ट्र, है ना, ये याद रखना है। और वो भी क्या निर्गुण संत है महाराष्ट्र के, एंड ही बिलोंग टू वर्कारी ट्रेडिशन। एंड नाउ द नेक्स्ट इज ध्यानेश्वर, एंड ध्यानेश्वर ये फाउंडर रहे हैं भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में इन 13th सेंचुरी। एंड इन्होंने ध्यानेश्वरी भी लिखा, विच इज ए कमेंट्री ऑन भगवद गीता, याद रखना, नोट रामायण भगवद गीता। एंड इनका जो वर्क रहा है वो है आपका अमृतानुभव ऑन योगा एंड फिलोसफी। एंड ही वॉज वर्सिपर ऑफ विथोबा दैट इज विथला, हु इज कंसिडर्ड ए मैनिफेस्टेशन ऑफ विष्णु, एंड फॉलोवर ऑफ नाथ योगी ट्रेडिशन। एंड ही ऑल्सो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद एंड भगवद गीता। एंड द नेक्स्ट इज एकनाथ, और एकनाथ की बात करें तो देख लो 1533 से 1599 का पीरियड, इन्होंने कमेंट्री ऑन द वर्सेस ऑफ भगवद गीता ये लिखा, एंड ऑल्सो डिवोटी ऑफ विथोबा, एंड कास्ट डिस्टिंक्शन को इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। एंड द नेक्स्ट इज योर तुकाराम, 1598 से 1650, कंटेम्प्रोरी ऑफ महाराजा मराठा किंग शिवाजी, ये याद रखना है तुकाराम के बारे में, कंटेम्प्रोरी ऑफ मराठा किंग शिवाजी, डिवोटी ऑफ विथल एंड फाउंडेड द वर्कआउट सेक्ट एंड मेन बिहाइंड मराठा नेशनलिज्म, ये सब इनको ही क्रेडिट दिया जाता है। एंड हिज टीचिंग्स आर कंटेंट इन अवंगार। एंड नाउ द नेक्स्ट इज रामदास, 1608 से 1681, ऑथर ऑफ दस बोध, याद रखना है दस बोध के ऑथर रहे हैं रामदास, और इनकी जो टीचिंग्स है वो शिवाजी को भी इंस्पायर करती है टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन महाराष्ट्र। एंड नाउ द फेमस वर्कारी ट्रेडिशन, तो बेसिकली वर्कारी भी एक रिलीजियस मूवमेंट था विद इन द भक्ति स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। और जियोग्राफिकली ये कौन से रीजन से एसोसिएटेड थे, तो बेसिकली महाराष्ट्र एंड नदर कर्नाटका वाले रीजन से ये एसोसिएटेड थे। और मराठी लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र में वरी मीन्स पिलिग्रिमेज, एंड ए पिलिग्रिम को बरकारी कहा जाता है ना। एंड वर्नाकुलर लिटरेचर जो फेमस भक्ति सेंट्स के द्वारा आपके लिखे गए हैं, आपको याद रखना है, हिंदी में लिखा गया जो कंट्रीब्यूट किया गया फेमस सेंट के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल कबीर, सूरदास, तुलसीदास। मराठी में जो कंट्रीब्यूट किया गया गुरुदेव, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, इन सबों के द्वारा मराठी में कंट्रीब्यूट किया गया। बंगाली में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं आपके चैतन्य महाप्रभु एंड चांदीदास।
एंड राजस्थान यानी कि ब्रजवासी में आपका मीराबाई एंड बिहारी, एंड पंजाबी में गुरु नानक एंड असमीज में शंकरादेव, है ना। तो किस प्रकार से वर्नाकुलर लिटरेचर का प्रमोशन हुआ बिकॉज ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ये यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करें इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो जाहिर सी बात है भक्ति मूवमेंट सिर्फ भक्ति या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं था बल्कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी था, है ना। और भक्ति सेंस वेयर सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो जो भी प्रैक्टिसेस हैं सती के कास्ट रिजिडिटीज के सम सेटबैक भी रिसीव करते हैं, एंड वोमेन वेयर इनकरेज टू ज्वाइन कीर्तनाज, जैसे मीराबाई लाल देद जो कश्मीर की वुमेन पोएटिस थी, एज वेल एज अंडल क्योंकि आपने अलवार्स की ओनली फीमेल सेंट देखा, इन्होंने वर्सेस कंपोज किए दैट आर पॉपुलर इवेंट टूडे। एंड इन प्लेस ऑफ संस्कृत, ये याद रखना है कंट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है, इन प्लेस ऑफ संस्कृत भक्ति सेंट प्रीच थ्रू द मीडियम ऑफ लोकल लैंग्वेजेस एंड विच कर्ड बी अंडरस्टूड वेरी इजली, तो लोकल लैंग्वेजेज रीजनल लैंग्वेजेस का प्रमोशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ भजन, इन द फॉर्म ऑफ आपका पोएट्री, इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। एंड सूरदास ने ब्रिज डायलेक्ट का इस्तेमाल किया, तुलसीदास ने अपने वर्क अवधि में किए, शंकरादेव ने असमीज को पॉपुलराइज किया, चैतन्य महाप्रभु ने अपने मैसेज को बंगाली में, मीराबाई हिंदी और राजस्थानी में, और कीर्तना हिंदू टेम्पल में होने लगा, कव्वाली दरगाह में होने लगा बाय द मुस्लिम, एंड सिंगिंग ऑफ गुरुवाणी एट गुरुद्वारा, ये सब डिराइव होते हैं भक्ति मूवमेंट ऑफ मेडिवल इंडिया, एंड इट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, है ना, preached the inclusive part to the spiritual salvation, and rulers adopted religious liberal policies because of the impact of bhakti movement, hai na, kyunki it was the period of rulers as well, hai na, ruler ruling the authority and the region, that's why ye jo rulers hai wo bhi influence hote hain under the impact of bhakti movement. To aaj ke is lecture series mein humne bhakti movement complete kiya, next lecture series mein we will start by sufi movement. To for now thank you friend, thank you very much. Agar aapko achhi lagi hai to please like share subscribe zarur kare, thanks friend, thank you very much.